A very good morning, students. Our next topic is direction of projection for a given velocity and a given range. Last lecture में हमने discuss करा था the range on an inclined plane, which was r is equals to u square divided by g cos square beta sine 2 alpha minus beta minus of sine beta, where u क्या था हमारे पास velocity of projection, alpha is the angle of projection and capital R is the given range up an inclined plane of inclination बीटा। इस आर्टिकल में हम क्या करेंगे कि फॉर अ गिवन रेंज दैट इज कैपिटल आर, हमारे पास दो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन आएंगे, दैट इज अल्फा एंड अल्फा डैश। अब हमें तो गिवन रेंज ये पता है जहां पर डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, दैट इज अल्फा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सो दैट मेरे पास अनदर डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन आए, दैट इज अल्फा डैश। वो कैसे आए, दैट इज हमारे पास क्या आए, आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन टू अल्फा डैश माइनस बीटा माइनस ऑफ साइन बीटा, इज इट राइट। अब स्टूडेंट हमें पता है कि साइन थीटा और साइन पाई माइनस थीटा मीन्स द सेम, क्योंकि साइन इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस ऑफ थीटा, जहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, टू अल्फा माइनस ऑफ बीटा, ठीक है। दैट इज हमारे पास क्या आ गया, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन पाई माइनस टू अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ साइन बीटा। बट मुझे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ पर क्या है माइनस बीटा, तो इसलिए हम क्या करेंगे इस टर्म में एंगल में माइनस बीटा और प्लस बीटा करेंगे। दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन पाई माइनस टू अल्फा प्लस टू बीटा माइनस ऑफ बीटा माइनस साइन बीटा। मुझे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, आई हैव टू एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ टू अल्फा माइनस ऑफ बीटा। तो इसमें से क्या करेंगे, हम इस टर्म में से टू कॉमन लेंगे, दैट इज वी हैव पाई बाय टू माइनस अल्फा प्लस बीटा और बाहर माइनस ऑफ बीटा एज इट इज माइनस ऑफ साइन बीटा, विच इज ऑफ द फॉर्म यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन टू अल्फा डैश माइनस बीटा माइनस ऑफ साइन बीटा, वेयर अल्फा डैश इज पाई बाय टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। हेंस हमारे पास क्या आया, दैट फॉर अ गिवन रेंज कैपिटल आर द टू डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शंस आर अल्फा एंड अल्फा डैश, वेयर अल्फा डैश किसके इक्वल है, पाई बाय टू माइनस अल्फा प्लस बीटा, इज इट राइट स्टूडेंट्स। नाउ हमें पता है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि इफ थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द मैक्सिमम रेंज देन थीटा किसके इक्वल था, पाई बाय फोर प्लस बीटा बाय टू, हमने आर्टिकल नंबर 8.9 में ये डिस्कस करा था, ठीक है। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अल्फा माइनस थीटा एंड थीटा माइनस अल्फा डैश। अल्फा माइनस थीटा क्या आएगा, अल्फा माइनस पाई बाय फोर माइनस बीटा बाय टू। थीटा माइनस अल्फा डैश, थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय फोर प्लस बीटा बाय टू और अल्फा डैश की वैल्यू इज पाई बाय टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय फोर प्लस बीटा बाय टू माइनस पाई बाय टू प्लस अल्फा माइनस बीटा। ऑन सॉल्विंग हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा पाई बाय फोर माइनस पाई बाय टू इज माइनस पाई बाय फोर एंड बीटा बाय टू माइनस बीटा इज माइनस बीटा बाय टू। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, दैट अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा माइनस अल्फा डैश। दैट इज दिस शोज दैट फॉर अ गिवन रेंज आर द टू डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा एंड अल्फा डैश आर इक्वली इंक्लाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेंज, इज इट राइट स्टूडेंट। दिस कम्प्लीट्स योर आर्टिकल नंबर 8.10। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है, दैट इज 8.11, दैट इज वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि जो पार्टिकल है वो स्ट्राइक कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन को एट एन एंगल, सॉरी एट अ पॉइंट पी, यही करा था हमने डिस्कस। अब इसी को कंसिडर करके हम अपना आर्टिकल नंबर 8.11 कंप्लीट करेंगे। लेट द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन एट पॉइंट पी विद वेलोसिटी वी, ठीक है। यहाँ पर आप यही वाली फिगर दोबारा से ड्रॉ करेंगे, दैट इज फिगर नंबर 8.22, इज इट राइट स्टूडेंट। नाउ वी नो दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू एफ एस, ठीक है। यहाँ पर एसेलेरेशन एफ क्या है, माइनस ऑफ जी में है, ठीक है। एस क्या है, दैट इज पी एन है हमारे पास, ठीक है। दैट इज ये है हमारे पास पी एन, इज इट राइट। पी एन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, दैट इज आर साइन बीटा हमने फाइंड आउट करी थी। दैट इज पी एन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, आर साइन बीटा। तो जस्ट हमारे पास ये किस में चेंज हो गया, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी आर साइन बीटा, क्योंकि यहाँ क्या है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस टू जी एस, यही आएगा, ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस,
ठीक है, u की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज u इज एज इट इज u स्क्वायर माइनस टू जी, एस की वैल्यू क्या है r साइन बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आया। अब r कहाँ से आएगी हमारे पास, आर्टिकल नंबर 8.8 से, दैट इज हमारे पास क्या है r इज इक्वल्स टू 2 u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय g कॉस स्क्वायर बीटा, दैट इज g r की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज इट इज इक्वल्स टू 2 u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बीटा। ये वैल्यू आप यहाँ पर जी आर की सब्सटीट्यूट करोगे इन दिस, ठीक है, दैट इज यू हैव वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस फोर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बीटा। नाउ अगेन लेट थीटा बी द एंगल विच द डायरेक्शन एट पी मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, तो टेन थीटा क्या होगा बेसिकली डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स हम कैसे लिख सकते हैं, डीवाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। अब फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट dy by dt is equals to u sin alpha minus gt and dx by dt is u cos alpha, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, that u sin alpha divided by u cos alpha minus gt divided by u cos alpha, that is आपके पास क्या आ गया tan alpha minus g divided by u cos alpha into time of flight, और time of flight की वैल्यू आपके पास क्या थी, that is time of flight is equals to 2 u sin alpha minus beta divided by g cos beta, वो वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे। नाउ sin a minus b is sin a cos b minus sin b cos a, वो यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, that is sin alpha minus beta is equals to sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta, फिर टर्म्स में आपके पास क्या हो जाएगा, that is sin alpha cos beta divided by cos alpha cos beta, that is tan alpha आ जाएगा minus cos alpha sin beta divided by cos alpha cos beta, क्या हो जाएगा tan beta हो जाएगा, that is on हमारे पास क्या आ गया, that tan theta is equals to tan alpha minus twice of tan alpha plus twice of tan beta, that is twice of tan beta minus tan alpha which is the value of tan theta, इज इट राइट। बेसिकली इस आर्टिकल में हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी थी, दैट वॉज कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस फोर यू स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बीटा। इज इट राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कम्स आर्टिकल नंबर 8.12, दैट इज कंडीशन दैट पार्टिकल में स्ट्राइक द प्लेन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो पार्टिकल है वो स्ट्राइक कर रहा है इंक्लाइन प्लेन को एट एन राइट एंगल। इज इट राइट। अब हमें पता है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, क्या हम कंसिडर करके चल रहे हैं बीटा, ठीक है, तो ये वाला एंगल बीटा हुआ, तो लेट यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है वो एट अ राइट एंगल, तो यहाँ से आपके पास एक लाइन ड्रॉ होगी, तो ये क्या एंगल्स हो जाएंगे, दैट इज दिस इज ऑल्सो बीटा, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इज इट राइट। अब हमें पता है कि पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है एट एन राइट एंगल टू द इंक्लाइंड प्लेन, तो ये एंगल क्या हुआ 90 डिग्री, ये एंगल बीटा, पूरा क्या होगा लीनियर पेयर, दैट इज 180 डिग्री, तो क्या हो गया 90 डिग्री प्लस बीटा, लेट दिस एंगल बी एक्स, किसके इक्वल होगा 180 डिग्री, दैट इज एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 90 माइनस बीटा, दैट इज एक्स की वैल्यू क्या हो गई 90 माइनस बीटा, मतलब ये एंगल आपके पास क्या हो गया 90 माइनस बीटा। इज इट राइट, दैट इज दिस इज द एंगल विच द डायरेक्शन एट पी मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल है जो ये डायरेक्शन एट पी मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, तो जब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा वुड बी माइनस ऑफ 90 माइनस ऑफ बीटा। इज इट राइट, ठीक है, यही कंसिडर करा हुआ है, लेट द पार्टिकल स्ट्राइक्स द इंक्लाइंड प्लेन एट राइट एंगल, तो देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 90 माइनस बीटा, वेयर थीटा इज द एंगल विच द डायरेक्शन एट पी मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। देन फ्रॉम द अबव रिजल्ट हमारे पास क्या है, दैट टेन थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, द रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या हो जाएंगी, टेन माइनस ऑफ 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टेन बीटा माइनस ऑफ टेन अल्फा। Is it right? Now, 10
माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, तो दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन माइनस नाइन्टी माइनस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टेन नाइन्टी माइनस बीटा, टेन नाइन्टी माइनस बीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो क्या आ जाएगा कॉट बीटा, क्या आ जाएगा माइनस कॉट बीटा विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो जस्ट आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास क्या आ गया, दैट कॉट बीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा माइनस ट्वाइस ऑफ टेन बीटा। एडिंग टेन अल्फा ऑन बोथ साइड्स आपके पास क्या आ जाएगा, दैट कॉट बीटा प्लस टेन अल्फा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। कॉट बीटा कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, वन प्लस टेन अल्फा बाय कॉट बीटा विच कैन बी वन बाय कॉट बीटा इज टेन बीटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा कॉट बीटा ब्रैकेट स्टार्ट वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, दैट इज कॉट बीटा की वैल्यू क्या हो गई, ट्वाइस ऑफ टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, दैट इज टेन अल्फा माइनस बीटा, दैट इज हमारे पास क्या आ गया कि कॉट बीटा की वैल्यू हो गई है ट्वाइस ऑफ टेन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है कि पार्टिकल स्ट्राइक्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन हॉरिजॉन्टली, अगर वो हॉरिजॉन्टली ही स्ट्राइक कर रहा है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई इस केस में, जीरो हो गई। तो जस्ट इस वाले रिजल्ट में आपने थीटा की वैल्यू जीरो पुट करनी है, दैट इज टेन जीरो इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, टेन जीरो इज जीरो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ टेन बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। इज इट राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट कम्स एग्जाम्पल नंबर थ्री विच इज अ परफेक्टली इलास्टिक बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द फुट ऑफ द प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल बीटा टू द हॉरिजॉन्टल, इफ आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेन एट अ डिस्टेंस एल, एस की वैल्यू क्या दे रखी है एल, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इट रीबाउंड्स एंड रीट्रेसेस इट्स फॉर्मर पाथ, जो पार्टिकल है वो अपना पाथ को रिबाउंड भी कर रहा है और रीट्रेस भी कर रहा है इट्स फॉर्मर पाथ, इसका मतलब जो पार्टिकल है मस्ट स्ट्राइक द प्लेन एट राइट एंगल, अगर पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है प्लेन को एट राइट एंगल तो हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, दैट कॉट बीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टेन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट आर प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, दैट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज अंडर रूट ऑफ जी एल वन प्लस थ्री साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय टू साइन बीटा। लेट अस स्टार्ट इट सॉल्यूशन, सिंस द बॉल रीट्रेसेस इट्स पाथ therefore it must strike the plane at right angle, the condition for which is cot beta is equals to twice tan alpha minus beta where alpha is the angle of projection. Now the initial component of velocity u and acceleration g of the ball are u cos alpha minus beta and minus g sin beta along the plane respectively, ye humne apne first article mein kara tha, that was this कि अलॉन्ग द प्लेन हमारे पास क्या है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू कॉज अल्फा माइनस बीटा, परपेंडिकुलर ये था दैट इज यू साइन अल्फा माइनस बीटा, अलॉन्ग द प्लेन एसेलरेशन क्या थी माइनस जी साइन बीटा, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन हमारे पास एसेलरेशन थी माइनस जी कॉस बीटा, यहाँ पर वही हमने एसेलरेशन यूज करी है अलॉन्ग द प्लेन वाली। अब हमें मेंशन है कि बॉल जो है वो स्ट्राइक कर रही है प्लेन को एट राइट एंगल एट अ डिस्टेंस एल, अगर वो राइट एंगल पे स्ट्राइक कर रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी अलॉन्ग द प्लेन क्या हो जाएगी जीरो, दैट इज वी क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो, हमें पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू एफ एस, दैट इज जीरो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू एफ एस, दैट इज जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एफ एस, वही यहाँ अप्लाई करें दैट इज जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एफ एस, वी हैव यू की वैल्यू क्या है यू कॉज अल्फा माइनस बीटा, तो क्या आ जाएगा यू स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, एस की वैल्यू हमारे पास एल है, एफ क्या है हमारे पास माइनस जी साइन बीटा, अप्लाई करें। ठीक है, यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करी, यू स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई दैट इज टू जी एल साइन बीटा ब्रैकेट स्टार्ट वन प्लस कॉट स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय फोर ब्रैकेट क्लोज, बट हमें फाइंड आउट क्या करनी है, इट इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट ऑफ जी एल वन प्लस थ्री साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय टू साइन बीटा, तो जस्ट अब हमें चेंज करना है कॉट को साइन और कॉज में, क्योंकि जो हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना है इट इज इन साइन, तो यहाँ पर कॉट में है तो हम क्या करेंगे कॉट को कॉज और साइन में चेंज करेंगे, कॉट क्या होता है कॉट बीटा इज इक्वल्स टू कॉज बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा, तो यहाँ अप्लाई करा दैट इज वी हैव टू जी एल साइन बीटा ब्रैकेट स्टार्ट वन प्लस कॉज स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय फोर साइन स्क्वायर बीटा ब्रैकेट क्लोज।
ठीक है, जस्ट एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या आ गया, दैट इज इट इज इक्वल्स टू जी एल 1+3 साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ साइन बीटा। तो यहाँ पर ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही थी, दैट इज यू स्क्वायर की, तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ जी एल 1+3 साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा, यही हमें फाइंड आउट करना था। दैट वॉज की वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो हमारे पास है, इट इज दिस, यही हमने प्रूफ कर दिया, हैंस आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ठीक है स्टूडेंट, With this, your chapter number 8 is complete. That is, unit 3 is complete.